जो हर संगवारी हो मया के दुश्मन के शूटिंग का पूरा यूनिट अब देखिए परेशान कर रहा है कांकेर की हसीन वादियों में, जा रहे हैं गढ़िया पहाड़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़िया पहाड़ कांकेर का। देखिए दोस्तों, पूरा कांकेर का नजारा है दोस्तों, दिल थाम के देखिए। ऐसा नजारा आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा छत्तीसगढ़ में। देखिए दोस्तों, मया का दुश्मन का पूरा टीम हर्षोल्लास से जा रहा है। हमारे सुदामा जी, नरेन कावरा जी और साथ ही हमारे हरफन मौला घनश्याम वर्मा जी और साथ में पूरा यूनिट, ये है तो हम है। अब देखिए मैं कैमरा को घुमा रहा हूँ दोस्तों, हमारे ड्राइवर साहब भी हैं घनश्याम जी। अब देखिए सर, इधर से भी दिख रहा है, देखिए हसीन वादियों में ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जा रहे हैं। अब आपको पूरा शहर दिखेगा दोस्तों, एकदम माउंट आबू में पहुंच गए। छत्तीसगढ़ का माउंट आबू कह सकते हैं आप इसे, माउंट एवरेस्ट छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं। मया के दुश्मन, जी हाँ मया के दुश्मन, जी हाँ दोस्तों मया के दुश्मन। ऐसी सी घाटी है दोस्तों, अद्भुत प्राचीन। अभी चल रहे हैं दोस्तों, अब डायरेक्ट अब हम वहाँ कट करेंगे, अब डायरेक्ट हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो साथियों, अब हमारे मया के दुश्मन के जितने भी कलाकार हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ जबरदस्त पहाड़ी के ऊपर। अभी अभी आपको हम तालाब दिखाया जो कभी सूखता नहीं, अब पहुँच रहे हैं शेर की गुफा में। तो पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कैसा है, क्या है और उसमें पहले क्या रहता था, अब क्या है। 700 साल पुराना है दोस्तों प्राचीन, देखिए दोस्तों गुफा। अब हम आपको दिखा रहे हैं गुफा का नजारा। हमारे साथियों से अनुरोध है कि वो नहीं आ पाए कुछ कारण से, कोई बात नहीं। साथियों नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं वो जगह है गढ़िया पहाड़, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल और एक जमाना में 13वीं शताब्दी से बना हुआ निर्मित मतलब बनाया नहीं गया है नेचुरली पहाड़ है। यहाँ के जो गतिविधि में बताऊंगा तो आप लोगों को सुन के बड़ा अचंभा होगा और खुशी भी मिलेगी। वो है यहाँ के जो पहाड़ के सबसे ऊपर में एक जबरदस्त देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर तालाब है, वो तालाब इतना भरे रहता है कि कितना भी गर्मी रहे वो भी सूखता नहीं। और यहाँ की मान्यता है कि पानी को भी आप हाथ लगा रहे छू रहे हैं या उसमें नहा रहे हैं तो कई प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। शांति तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हमारे लिए स्वाभाविक बात है कि सेरा फिल्म प्रोडक्शन के तहत हमारे जितने कलाकार इधर आजू बाजू में खड़े हुए हैं वो सब पहुँचे हैं फिल्म शूटिंग के लिए मया के दुश्मनों। हमारे कांकेर में हो रहा है और ये इतना ऊंचाई में आए हैं साथियों कि ये माउंट एवरेस्ट ऊंचाई में है कांकेर वैली के रूप में। कांकेर की जो नज़ारा देखना है यहाँ से तो कांकेर के चारों तरफ पूरा बस्तर भी दिख जाएगा, पूरा छत्तीसगढ़ भी दिखने का चांस है। ये कितना साल पुराना है महोदय? ये 13वीं शताब्दी का मतलब यहाँ पर आपको पुराना अभिषेक मिलेगा और यहाँ जो भी यहाँ का कहानी है पुराना वो हमारे आसपास के जो प्राचीन युग के जो हमारे मित्र हैं वो लोग बताए हैं कि यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त वाला जगह है। हमने सुना है कि इसे किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये प्रकृति ने ऑटोमेटिक बनाया गया क्योंकि पहाड़ और नदी को प्रकृति का ही बना मतलब आदमी लोग बनाते नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। लेकिन बनने के बाद यहाँ दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ देवी के मंदिर है, हम आपको मुलाकात करवाएंगे और एक बार दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। ये है कांकेर जो कि बस्तर के उत्तर बस्तर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, नज़ारा देखिए, ये मंदिर शीतला मंदिर सामने, एकदम प्राचीन मंदिर में हमारे घनश्याम वर्मा जी, भोले बाबा, शिवलिंग, दुनिया की उत्पत्ति यहीं से हुई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, ओम भोले दुनिया। साथियों ये है 13 शताब्दी पहले के प्राचीन महादेव शिवलिंग जिसका दर्शन आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस शिवलिंग का दर्शन करके आप पवित्र और अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जय जोहार, नमस्कार। इस गुफा को देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन के रूप में हमें राजेश बोनी जी जो वरिष्ठ कलाकार है, फिल्मकार है और निगेटिव ज्यादा करते हैं,
इसे आप लोग जानते ही होंगे। और हम लोग घुस रहे हैं गुफा में, देखिए कितना खतरा है, केवल एक व्यक्ति ही हिले दे के मतलब घुसता है साथियों। इधर भी साथियों, ये है गुफा जहाँ 13वीं शताब्दी के पहले पहले यहाँ पर भयावह जंगली जानवर जैसे शेर, भालू, चीता, ये लोग का घर है समझिए। और यहाँ हम लोग घुसे हुए हैं, तो हम लोग आज के समय में मान के चलिए कि हम लोग को थोड़ा डर महसूस जरूर हो रहा है, लेकिन खुद अंदर अंदर हम लोगों को खुशी की अनुभूति हो रही है कि हम लोग कभी कम से कम गुफा में तो घुसे हैं। तो जैसे जिस तरह से आप लोगों का घर है, वैसी तरह से यह शेर भालू जानवरों का गुफा है। और इतना आनंददायी लग रहा है, यहाँ घुसने पर एक अलग से अनुभव और अनुभूति प्राप्त हो रहा है साथियों, कि एक हम लोग ऐसे नजारे में आए हैं कि एक स्वर्ग से बढ़ के स्थान, एक जबरदस्त छुपे हुए एक ऐसे मतलब कहानी या फिर इतिहास के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वो है कांगेर के बहुत ऊंची टापू में एक जबरदस्त ऐसी जगह जहाँ पर उस समय के राजा कंडरा राजा धर्मदेव जी के शासनकाल में जब भी असामाजिक तत्व या फिर उसके राज शासन में किसी प्रकार के दरबार में अगर फांसी देना रहता है, उसको एकदम पहाड़ मिले जा करके सीधा वहां से आदेशानुसार राजा सीधा नीचे गिरा देता था साथियों। तो उस जगह में हम आपको ले जाना चाहते हैं, आइए देखते हैं उसकी जगह। तो ये है जो दिख रहा है लाल झंडा वाला, ये लकड़ी का है ना? गढ़िया पहाड़, छत्तीसगढ़िया पहाड़ बोल सकते हैं, टापू गढ़िया पहाड़ जी, देख लीजिए आपको लिखा हुआ है वहाँ दिख रहा है जी। और यहाँ गढ़िया छत्तीसगढ़िया देख लीजिए, फिलहाल हम ऐसे टापू में चढ़ रहे हैं जहाँ आपको अगर हम कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे तो देख के अचंभित हो जाएंगे। हवा में हिल रहा है कैमरा हवा में हिल रहा है कैमरा क्या नजारा, पर्यटक लोग यहाँ पर आकर के अपना पूरा अद्भुत नजारा को देखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ पर अनमोल धरोहर है जो कि कंडरा राजा धर्मदेव के जमाना में 1300 शताब्दी के इस पहाड़ी को अपने स्तर पर एक ऐतिहासिक चीज़ बनाया है, जो कि आज के वर्तमान में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथ साथ एक अद्भुत चीज़ है, जो कि देख रहे हैं आप। ये कैमरा घुमाने वाले हमारे बोनी जी घुमा रहे हैं, पता चल रहा है आपको, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग है लेकिन छोटे छोटे डब्बा टाइप का दिख रहा है। और इसकी ऊंचाई बहुत है, बहुत ऊंचाई में है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि मज़ा आ रहा है कि देखने में यहाँ से एक अद्भुत नज़ारा, विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं हम। उत्तर ये गढ़िया पहाड़, अभी अभी आपने शिवलिंग का दर्शन किए हैं और हम अब आपको दिखा रहे हैं 1300 शताब्दी पुराना उस समय के कारीगर लोग किस तरह से अपना हुनर दिखाते हैं वो इस चित्र के माध्यम से और इस मूर्ति के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए साथियों, ये है पुराना समय के हमारे कारीगर लोग कितना उसमें बारीकी से उसको कलाकृति करके उसको डिजाइन बनाया। ये कछुआ है का? ये कौन से भगवान? पहचान तो अभी तक नहीं हो पा है। हम जा रहे हैं, धीरे 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 निकल रहे हैं, इन वादियों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, क्या करें, जाना तो होगा। धीरे 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 निकल रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। वही तो समझ नहीं आ रहा,
जमावना लगा सारा कितने आदमी संजय लगा हसीन वादियों से अब निकल रहे हैं सीता सीता।